नमस्कार, मैं विकास मिश्रा, अनुस्थिति ज्ञान एवं चलुषता अनुदेशक, समेकित क्षेत्रीय केंद्र दिव्यांगजन, लखनऊ से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आज एक नई एक्टिविटी के साथ में आप सभी के सामने उपस्थित हूं। आज की एक्टिविटी अनुस्थिति ज्ञान एवं चलुषता से संबंधित है। अनुस्थिति ज्ञान एवं चलुषता जो कि दृष्टि दिव्यांगजनों के लिए बहुत ही आवश्यक है। साथ ही साथ में हमारे जो डीएड विशेष शिक्षा के जो छात्र हैं और जो बीएड विशेष शिक्षा के छात्र हैं, जो दृष्टि दिव्यांगता से अपना डीएड या बीएड कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज मैं अनुस्थिति ज्ञान एवं चलुषता में एक शब्द आता है जिसका नाम है स्क्वारिंग ऑफ। स्क्वारिंग ऑफ के बारे में आपको बताऊँगा। स्क्वारिंग ऑफ, जैसा कि अनुस्थिति ज्ञान एवं चलुषता में स्कोरिंग ऑफ की एक बहुत जरूरी भूमिका है, वो इसलिए क्योंकि स्कोरिंग ऑफ का जो अर्थ है वो ये है कि स्कोरिंग ऑफ एक स्थिति है जिसके द्वारा कोई भी दृष्टि दिव्यांगजन अगर वो स्ट्रेट कहीं से अगर वो 90 डिग्री पे अगर मुड़ना चाहता है या 90 डिग्री पे सीधा बिल्कुल जाना चाहता है तो वो स्क्वारिंग ऑफ को यूज करके एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल स्ट्रेट चल सकता है। जैसे कि जब कभी भी कोई दृष्टि दिव्यांगजन रोड क्रॉस करता है तो जरूरी होता है कि वो दृष्टि दिव्यांगजन बिल्कुल सीधा चले, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी तिरछा होगा तो उसे ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी और समय ज़्यादा लगेगा। जैसे कि मान लिया, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं ओरिएंटेशन और मोबिलिटी कर रहा हूँ और मैं छड़ी लेके जा रहा हूँ और छड़ी लेके जाने पर ये खिड़की की स्टार्टिंग है और यहाँ से मुझे पता है कि मुझे सामने की तरफ यहाँ से मुझे क्रॉस करना है, और अगर मैं सामने की तरफ जाऊँगा तो मुझे मेरा गेट या जहाँ मुझे जाना है वो मुझे मिल जाएगा। तो इस स्थिति में क्या है कि जो भी दृष्टि दिव्यांगजन है वो हाथ के माध्यम से या ट्रेलिंग के माध्यम से इस क्लू को पहचान लेगा कि ये खिड़की का स्टार्टिंग आ गया है, अब मुझे क्रॉस करना है, सामने जाना है। तो यहाँ पे स्क्वारिंग ऑफ यूज होगा। अगर वो व्यक्ति अपने आप ही मुड़ के चल देता है तो हो सकता है कि वो लेफ्ट या राइट चला जाए, लेकिन अगर स्क्वारिंग ऑफ करके जाता है तो वो व्यक्ति एग्जैक्ट बिल्कुल सामने की तरफ जाएगा। स्क्वारिंग ऑफ का मतलब है कि जैसे ही वो व्यक्ति यहाँ पे आएगा और अपने बिल्कुल बॉडी को बिल्कुल सीधा करेगा, मतलब जो दीवार है, जो लैंडमार्क है, उससे अपनी पीठ को लगाया, कंधे दोनों स्ट्रेट हैं और टच हैं, पैर जो कि बिल्कुल नीचे लगे हुए हैं और एड़ियां टच हो, पैरों को इस तरीके से रखेंगे कि आपके पंजे जुड़े हों, एड़ियां आपस में जुड़ी हुई हों और एड़ियों के पीछे का हिस्सा दीवार को टच करता हो या जो भी लैंडमार्क है उससे टच करता हो। इस स्थिति में आपका डायरेक्शन बिल्कुल सीधा होगा और आप जब भी चलेंगे तो बिल्कुल सीधा चलेंगे। स्क्वारिंग ऑफ में यह ध्यान रखना है कि कंधों के साथ साथ पैर भी दीवार से, पैरों की एड़ियां दीवार से बिल्कुल मिली हुई रहे। स्क्वारिंग ऑफ के द्वारा एक दृष्टि दिव्यांगजन रोड पे भी क्रॉस कर सकता है, मतलब स्क्वारिंग ऑफ का यूज रोड साइड में भी कर सकता है। रोड साइड में किस तरीके से वो यूज करेगा, जो भी रोड है उसकी किनारी पे, जो भी इसकी एज है, रोड की एज होती है, उस रोड की एज पर अपनी एड़ियों के थ्रू वो अपने आप को स्ट्रेट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर पंजों से भी टच कर सकता है और एड़ी से भी टच कर सकता है। एड़ी से टच करने पर, या चाहे वो जूते पहने हो चाहे चप्पल पहने हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जब वो एज पे पैर रखेगा तो उसे पता चलेगा कि वो सीधा है या नहीं। इस चीज को अगर आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा कि स्क्वारिंग ऑफ का यूज
आप रोड पे भी कर सकते हो, क्योंकि रोड साइड में आपको कोई ऐसी चीज नहीं मिलेगी जहां से आप अपनी पीठ को लगा सकें, तो वहां पे स्क्वायरिंग ऑफ करने के लिए आप रोड की किनारी का यूज कर सकते हैं। अगर आप पंजों या एड़ी से स्क्वायरिंग ऑफ करेंगे तो आप स्ट्रेट परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे क्रॉस करेंगे, जिससे आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा और ज्यादा दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। यह है स्क्वायरिंग ऑफ। स्क्वायरिंग ऑफ को घर में भी करके देखें, साथ में जो भी दृष्टि दिव्यांगजन है उन लोगों को आप बताने की कोशिश भी करें कि स्क्वायरिंग ऑफ क्या होता है, स्क्वायरिंग ऑफ का यूज कैसे होता है। तो ये था स्क्वायरिंग ऑफ। स्क्वायरिंग ऑफ के बाद ओरिएंटेशन मोबिलिटी के और बहुत सारे टॉपिक लेके मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। अभी के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार।